किस देश में प्रत्येक 45 सेकेंड पर किसी न किसी के घर में आग लग ही जाता है? यह किस देश में होता है? आप इस वीडियो में बने रहे, आपको पूरी जानकारी मिलेगा ऐसा क्यों होता है किस देश में। गाइज, बेसबॉल यानी कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? क्रिकेट में 11 होता है, लेकिन बेसबॉल में कितना होते हैं? जी मैं बता देता हूँ कि बेसबॉल में 9 खिलाड़ियों की संख्या होता है। जी हाँ, मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आप लोग सब खेलों के बारे में जानते होंगे, वह कब जीता और कौन जीता, लेकिन फुटबॉल सबसे पहले किस देश ने जीता है? जो कि फुटबॉल का पहले विजेता कप जीतने वाला कौन सा देश है? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि उरुग्वे। उरुग्वे ने एक ऐसा देश है जो पहली बार फुटबॉल कप का जो मैच होता है उसका पहली बार जीता हुआ है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब देशों का कोई ना कोई राष्ट्रीय खेल होता है, लेकिन एक भूटान देश बहुत छोटा है। आप लोग कहेंगे कि इसका कोई राष्ट्रीय खेल है कि नहीं है? जी हाँ, एक राष्ट्रीय खेल इसका भी है। जी हाँ, उसका क्या नाम है, उस खेल का क्या नाम है? जी मैं आपको बता देता हूँ कि उस खेल का नाम है तिरंदा। तिरंगा नहीं, तिरंदा जी, उस खेल का नाम है तिरंदा जी। मेरे वीडियो अच्छा लगा है। बॉल फुटबॉल कितने समय के लिए खेला जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फुटबॉल खेलता है वह कितने समय का होता है, बाकी कितने समय का होता है? मैं आपको बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो फुटबॉल खेलता है उसका समय होता है 90 मिनट। 90 मिनट का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेला जाता है। मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को। शतरंज के खेल का भारत का कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि सबसे टैलेंटेड कहा गया है, उसे शतरंज का मास्टर भी कहा जाता है और मास्टर घोषित किया हुआ है भारत लेवल पर? जी हाँ, उस व्यक्ति का क्या नाम है? जी आपको बताते हैं, उस व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज का मास्टर है, जिसका नाम है विश्वनाथ आनंद। जी हाँ, मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को। पहली बार एशिया के अंतर्गत कौन सा खेल खेला गया था, वह कहाँ खेला गया था, किस देश में खेला गया था? एशिया के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, चीन, भारत, बहुत सारे देश हैं जो कि एशिया के अंदर आते हैं। उसमें एशिया के अंतर्गत कौन सा खेला गया था, खेल कहाँ पर खेला गया था? जी हाँ, नई दिल्ली में खेला गया था इस खेल को, जो कि भारत है। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल। मैच जो खेला जाता है उसमें सचिन तेंदुलकर ने वह पहला अपना 100वां शतक कहाँ पर वह पूरा किए थे, किस मैच के खिलाफ, यानी कि भारत और किस देशों के मैच जब मैच हो रहा था उस समय सचिन तेंदुलकर 100वां शतक अपना पूरा किए थे? जी हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ जब भारत का मैच हो रहा था उसमें सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक को पूरा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा। किस वर्ष में द्रोणाचार्य पुरस्कार देने का प्रारंभ किया गया? आप लोग कहेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है? जी हाँ, आप लोग जो देखते हैं कुश्ती वगैरह लड़ाया जाता है पहलवान वगैरह में, उसी को जो विजेता होता है उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जी हाँ, 1985 में यह द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ हुआ। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे को। किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिक्की के नाम से जाना जाता है? कौन सा व्यक्ति है जो कि बहुत अधिक तेज दौड़ता है जिसको फ्लाइंग सिक्की भी कहा जाता है? जी हाँ, उसका नाम आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, मिल्खा सिंह, जो कि भारत में एक बार पछाड़ दिए थे और विश्व विजेता बने थे। पाकिस्तान के व्यक्ति ने कहने लगा कि मिल्खा सिंह ने एक तुक्का मारा है जो कि ऐसा मिल्खा सिंह नहीं कर सकता है, इतना स्पीड नहीं दौड़ सकता है, और मिल्खा सिंह ने जाकर पाकिस्तान के व्यक्तियों को भी हरा दिया पाकिस्तान में। तब जाके वहां के राष्ट्रपति ने भी सम्मान किया कि मिल्खा सिंह एक व्यक्ति है जो कि अभी तक नहीं हुआ है। मेरे वीडियो अच्छे। कितने वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का पुनः आगमन किया जाता है? बाकी खेलों है जिसको आप 6 महीना, साल भर, 2 साल पर फिर से पुनः आगमन कर देता है समय के अनुसार, लेकिन एक ऐसा खेल है जो कि 4 साल के बाद उसको आगमन किया जाता है। वह ओलंपिक को 4 साल के बाद ही पुनः उसे आगमन किया जाता है, यह नियम ही है। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अधिक सब, कौन सा एक ऐसा देश है जहां पर प्रत्येक 45 सेकेंड पर वहां पर एक न एक घर में आग लग ही जाना है,
यानी कि 45 सेकंड भी एक मिनट नहीं, 45 सेकंड में मात्र किसी न किसी के घर में आग लग ही जाना है, वहाँ का नियम है, रिसर्च किया हुआ है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आपको 45 सेकंड पर एक न एक घर में आग लग ही जाना है। मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।